हो लिया, ओके हो गया। ये मैंने गोश्त धोया, ठीक है, 750 ग्राम गोश्त है ये, 750 ग्राम है ना, और 200 ग्राम मैंने तेल दिया। मैं इसमें गोल डाल देंगे, ऑयल गर्म करके, ऑयल गर्म कर रहा मैं ना, ऑयल गोल डाल दूँगा, थोड़ा सा ऐसे ऑयल में घुमा लेंगे, एक उसको लहसुन का डाल मैंने, एक से डेढ़ स्पून लहसुन का डाल मैंने, लहसुन डाल के अच्छा से घुमा लेंगे, ताकि इसके गोश्त के जो है ना घी में सहन सब निकल जाए। ये मैंने एक बड़ा टेबल धनिया का लिया, एक टेबल छोटा मिर्चों का, आधा टेबल हल्दी, एक टेबल स्पून नमक, ये प्याज फ्राई हुई है, दो गट्ठी प्याज फ्राई हुई है, और ये नहारी का मसाला एक टेबल स्पून, अब इसको हम डाल के अच्छा सा भराई कर लेंगे। ये देखो मैंने मसाला अच्छा से इसमें भून लिया है ना, अब इसमें चसक आ गई है, अभी अच्छे से चसक आ गई है, अब मैं इसमें टमाटर डाल लेंगे, ये 3 टमाटर हैं ये मैं इसमें डाल लेंगे, अब ये डाल के ये डाल के मैं इसको चला दूंगा। कितना अच्छा बढ़िया सा रुका रही है, ऐसा भून भून के अच्छा सा हो जाता है। अब मैं सब पानी डाल रही हूँ, एक मग ये पानी का डाल दूंगी, अब ये आधे पौने घंटे में ये 40 से 45 मिनट तक इसको बंद कर देंगे हल्की आंच पर करके, इसका अंदर का दिखा दो, अब ये मैं इसको लगा रही हूँ 40 से 45 मिनट तक के लिए लॉक कर दिया। ये मैंने 4 टेबल स्पून बेसन के लिए, अब ये इसमें पानी डाल, ये मैंने बेसन लिया 4 टेबल स्पून, और ये इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि इसको मिक्स कर लूँ।
हमारा मर्रा गल चुका है, ये तैयार हो गया। मैं इसमें से ये उतार जाना है, चिकनाई उतार रहे हैं। अभी उतार के हम इसको अलग रख देंगे, फिर बाद में डालेंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा है ये, इसमें कितना रंग हो पा रहा है, और आगे अभी और आएगा इसमें। अब ये मैंने इसमें से तार निकाला था चिकनाई, ये रखी अलग, और मैं जो ना बेसन का घोल बनाया था ना, अब मैं ये इसमें ये डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, टेस्ट भी आएगा और बाहर बाजार जैसे बिल्कुल बाजार से बढ़िया बनेगी। आप खाएंगे इसको, यूज करेंगे तो पता चलेगा हाँ बहुत टेस्टी बनी है। इससे गाढ़ापन भी आता है, बिल्कुल बाजार जैसे नहाई बनेगी। इसमें घोल डाल रहे हैं, अब इसको मैं अच्छे से चला रहा हूँ ताकि खूब अच्छा से मसल जैसा हो जाए। आधा गिलास पानी, एक गिलास पानी डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकाने के लिए रख देंगे ताकि बेसन जाना इसके। इसको बंद करके रख देंगे और 10 मिनट के लिए ये बेसन गल जाए। ये गल चुका है, मैंने बेसन डाल के रखा था 10 मिनट के लिए। अब ये गाढ़ी हो गई है, मैंने दे डाली है ना, इसमें थोड़ी देर 5 मिनट तक चम्मच चला जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, गाढ़ी होगा ना ग्रेवी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल। अब ये तो अपनी मर्जी की बात है, ज़्यादा शुगर रखे या कम रखे, जितना रखना चाहो मटर नहारी बन के तैयार हो गई। अब मैंने जो मटर निकाला था अब मैं ये इसमें डालूंगी, ये अच्छा से इसमें लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा, मजा जैसी जाएगी। अब ये देखिए एकदम बाजार जैसे नहाए बन के तैयार हो गए। अभी हमने ये सब काट के रखा था सामान, रंग बारे नीचे अब हम इस साथ खाए, नान के साथ खाए, नान के साथ खाए।
साथ में।